ये देखिए जी, जो ये मोटा सा लड़का दिखाई दे रहा है, मैं फिर बेटा है, ये छुप गया, जा गया पीछे। ये छुप छुप के देख रहा है जो अभी निकला। ये है, ये बोल रहा था बड़े दिनों से, कहता छुट्टियों में लेके नहीं गए, कहीं छुट्टियों में लेके नहीं गए। कहाँ है ये, कहाँ गया, कहाँ गया? ये बोल रहा था कि छुट्टियों में लेके नहीं गए मुझे कहीं भी। तो मैंने कहा चल आज चलते हैं। तो आज जैसे ही आए तो बारिश शुरू हो गई। अब ये छत पे घूम रहा है। पहले इसने मोबाइल पकड़ रखा था, मैंने कहा अगर मोबाइल ही पकड़ना तो घर में भी बैठ के पकड़ लेता, फिर क्या है पठानकोट से यहाँ आने की ज़रूरत क्या है, थोड़ा मज़ा लो। तो बड़ी मुश्किल से बच्चों का मोबाइल छुड़ाया। ये जो सामने देख रहा है, ये मोबाइल कम ही छोड़ता है। इसको देखो, इसको ये छुपा रहा है अपना मुंह। देखो देखिए इस सुशील सर, ये बड़ी मुश्किल से इसका मोबाइल छुड़ाया आज मैंने। बारिश में खड़े होने का मजा भी अपना ही है। वैसे आपको बता दूं कि एक चामुंडा मंदिर नीचे है, और ये जो सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक चामुंडा मंदिर और है जिसको हिमानी चामुंडा कहते हैं। बहुत ठंड होती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से पैदल जाते हैं। पहले तो यहाँ से कोई 12-13 किलोमीटर का रास्ता पैदल था, लेकिन अब जरा रास्ता थोड़ा कम हो गया है, आधे रास्ते तक जीप वगैरह चली जाती है। तो लोग जीप में आधा रास्ता कवर कर लेते हैं और उसके बाद फिर पैदल जाते हैं। वो सामने जो पहाड़ है इसके पास है हिमानी चामुंडा का मंदिर। एक चामुंडा का मंदिर जो नॉर्मली लोग विजिट करते हैं वो तो नीचे है, एक ऊपर सामने पहाड़ पे है। पहले कोई इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, अब लेकिन अब बिजली वगैरह हो गई है, लंगर वगैरह भी मिल जाता है, लेकिन रास्ता काफ़ी टफ है। लोकल लोग तो बड़े आराम से चले जाते हैं, लेकिन अब बाहर से लोग भी जाने लगे हैं। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वहाँ के लिए एक जो गंडोला टाइप ट्रॉली होती है ना, वो चलाई जाए। तो जब वो चल पड़ेगी तो थोड़ा लोगों के लिए इजी हो जाएगा जाना। लेकिन मुझे फिर भी एक डर भी जल लगता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो जाते हैं या किसी भी जगह पे, तो गंदगी भी फैलाना शुरू कर देते हैं वहीं पे ही। जैसे बरोट का हाल हो रखा है, हर कोई जिसको देखो वो बरोट भागता है, जिसको देखो वो बरोट भागता है। और वहाँ पे जो उहल रिवर है उसको गंदा करके वापस आ जाते हैं ये लोग। वहीं पे बियर की बोतल फेंकेंगे, वहीं पे कोल्ड ड्रिंक की बोतल फेंकेंगे, वहीं शराब की बोतलें फेंकेंगे। आई डोंट थिंक कि ये कल्चर है हमारा इंडियंस का। तो मेरी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आएँ किसी हिल स्टेशन के ऊपर, तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि जो गंदगी या पैकेट या ये जो बोतलें, शराब की बोतलें, ये कल्चर नहीं है हमारा। इस सबको अगर ले भी आते हो आप कहीं, तो कमरे में बैठ के ड्रिंक करिए। ये दरिया के किनारे आप अपने बच्चों के साथ बैठ के ये काम कर रहे हैं, ये गंदा काम है, इट्स नॉट गुड थिंग। और बरोट अगर ऐसे ही चलता रहा ना, ये जो जितने लोग हम लोग जा रहे हैं, आपको बता दूं कि मैं बरोट में 7 साल रहा हूं, और जब मैं बरोट में रहता था, मैंने फर्स्ट क्लास बरोट से पास की हुई है अपनी। मेरे फादर वहाँ सर्विस करते थे, उससे सुंदर जगह कोई नहीं थी। आज आप लोग जिसको बहुत सुंदर जगह समझ के विजिट कर रहे हो ना, वो उसका एक दसवां हिस्सा भी नहीं है। और उसको गंदा किसने किया? हम लोगों ने गंदा किया हुआ उस लोग को। तो वैसे ही ऐसा कुछ ऊपर हो जाएगा जब ये हिमानी चामुंडा का मंदिर है, जहाँ पे एक्सेस इजी हो जाएगी। इंसान के बड़ी एक आराम से फितरत है कि जहाँ पे जाना शुरू करता है सुंदर जगह समझ के जाता है, और उसको वहाँ पे गंदा करके आ जाता है। यार रोज अपने घर में भी झाड़ू लगाते हो, तो जहाँ जा रहे हो कुदरत को इतना गंदा मत करके आओ। अगर कुछ ले भी गए हो, पैकेट भी हैं आपको, उसको इकट्ठा करो आप। अब उन सब पैकेट्स को इकट्ठा करो और किसी डस्टबिन में डाल दो,
ये इसलिए नहीं होता है कि कुदरत इसलिए नहीं होती, ये पेड़ पहाड़ नदियाँ इसलिए नहीं होती कि वहाँ पे जाके आप ये प्लास्टिक वगैरह सब कुछ गंदा फेंक के आ जाओ। मैं आपको बता देता हूँ, आप 5 साल के बाद ब्रोट में विजिट नहीं कर पाओगे दोबारा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है ना ये फैसिलिटी ना दे, कोई ट्रॉली वगैरह ना चलाए, तो वो जगह अच्छी रहेगी। जिस दिन वहाँ पे ट्रॉली चल गई उस दिन ही हम लोगों ने वहाँ पे गंदगी और फैला देनी है। सो काइंडली इट्स रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मैंने एक पहले भी वीडियो डाला था अपने यहीं से गांव से, पोल्यूशन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। सो काइंडली आप अपना मत करिए, इतना पोल्यूशन मत डालिए यहाँ पे। आज आप तो 100 किलोमीटर घूमने आ जाते हो, आपके बच्चे कहाँ घूमने जाएंगे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद? कुछ नहीं छोड़ोगे आप लोग। तो जहाँ भी जाइए काइंडली, इसमें कोई शर्म नहीं है कि मैं अपने गंदगी जो मैंने फैलाई हुई है उसको उठा के एक लिफाफे में डाल के ले जाऊं। और इसमें कोई शान भी नहीं है कि जो गंदगी है मैं उसको वहीं पे फेंक के आ जाऊं। खुले में बैठ के शराब पीना, खुले में बैठ के बेर की बोतलें फेंक जाना अच्छी बात नहीं है। ये हर कोई अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहता है, आप अपने घर को भी साफ सुथरा रखते हैं तो जहाँ घूमने जाते हैं उस जगह को भी साफ सुथरा रखिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी भी देख सके कि आप कहाँ कहाँ गए थे। हो सकता है मेरी बातें बुरी लगें लेकिन ज़रूरी है ये। थैंक यू।